हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज जो है 10 फरवरी है, तो अब क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इस टाइम हम अपने सब प्लांट्स की प्रूनिंग कर देंगे। और प्रूनिंग के बाद जो है जो कटिंग्स होंगी उनको हम लगाएंगे, ताकि इस मौसम में जब कटिंग करते हैं आप या प्रून करते हैं कोई भी प्लांट, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब कटिंग जो है 100% तो नहीं कहूँगी, बट 99% जो है सक्सेस होती है। तो इस मौसम के अंदर, इस ये वाला जो क्लाइमेट अब चेंज हो रहा है, इसमें आप कटिंग लगाएंगे अब से लेके और मार्च 15 तक, तो वो लगभग सारी कटिंग जो है लग जाती है। तो आज मैं जो है, जैसे ये देखिए आप, इस टाइम जो है मोगरे की, अडेनियम की एंड आपकी इसकी अजवाइन की, प्लूमेरिया, गुड़हल की कोई भी हो वैरायटी, उसकी ये डबल चांदनी है, इन सब की कटिंग आराम से लगेगी। तो आज जो है मैं अपने प्लांट्स को प्रून कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो कटिंग्स को हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ब्रांचेज एक्स्ट्रा आपको जो नहीं चाहिए होती, उन सबको आप कट कर दीजिए, बिल्कुल ना घबराओ। घबराएं कि कटिंग करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आएगा और एकदम से बुशी लुक देगा आपका प्लांट और एकदम से नई नई शूट्स निकलेंगी, ठीक है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कटिंग्स कर ली हैं सारी, प्रूनिंग की है, तो उससे मेरे को ये सब कटिंग्स मिली हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कि कटिंग से आराम से जब प्रून करते हैं तो उसकी कटिंग से आराम से आप लगा सकते हैं। ये मैंने कल दिखाई थी आपको, ये वही कटिंग है। और ये मेरी पेंडलेथस की, एडेनियम, इन सबको आप क्या करेंगे, जो भी कटिंग्स आपके पास हैं उन सबको, जैसे कि ये मेरी मिर्ची गुड़हल की है, तो अप्रोक्सीमेट इतनी भी ले सकते हैं, हाँ आपके अप्रोक्सीमेट 2 इंच जो है हमारी मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए कटिंग जो भी लगाएंगे। तो जो भी कटिंग आप ले रहे हैं उसको, जैसे मैं ये मिर्ची गुड़हल की ले रही हूँ, तो उसको 45 के एंगल पे एकदम से शार्प कट कीजिए, ठीक है। शार्प कट करने के बाद आप, जैसे मेरे पास ये एलोवेरा का वो है, प्लांट का वो है, तो ये जो है एक रूटिंग हार्मोन होता है एलोवेरा जेल, तो ये ले सकते हैं, या आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप ग्लूटेक्स करके एक रूट हार्मोन आता है वो ले सकते हैं। तो उसके अंदर ऐसे डिप करेंगे इसको ऐसे, और इसके ऊपर ये जेल लगा लेंगे, ठीक है। इन कटिंग्स को आप या तो आप हाफ मिट्टी और हाफ सैंड उसमें लगाइए, या फिर टोटली सैंड में लगाइए, या फिर कोकोपीट में लगाइए, सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको सैंड में, और हाफ़ मिट्टी और हाफ़ सैंड में लगाना, ठीक है। तो ये मैं इसको लगाऊंगी मैं आप इसमें सैंड के अंदर, तो ये मेरी सैंड है और इसमें 50% मिट्टी है और 50% सैंड है, और ये सिर्फ प्योर मिट्टी है, ठीक है। सब में चल जाती है इस टाइम आप लगाते हैं तो आप ये ऐसे कट करके इसके ऊपर थोड़ी सी एक दो लीव छोड़े तो छोड़े, अदरवाइज हटा दें सारे लीव्स को, क्योंकि लीव्स जब होंगी तो वो अपना फूड बनाने में लग जाएंगी। तो इसको ऐसा, जब रूट्स हैं नहीं तो इसको फूड की ऐसी कोई नीड है नहीं, तो थोड़े दिनों बाद ये अपने आप ही इसके अंदर हो जाएगी। सैंड में जब हम लगाते हैं तो बहुत इजीली प्रपोगेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे ये बोगनवेलिया की है, बोगनवेलिया की इतनी कटिंग भी लगाएंगे तब भी आपकी आराम से लगेंगी। तो मैं ये 45 पे काटा, ठीक है, और इसको इसके अंदर डिप किया एलोवेरा जेल। अभी मेरे पास एलोवेरा जेल है, अगर आपके पास शहद है, हनी, तो वो भी एक बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है, तो आप उसके अंदर भी इसको लगा सकती हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये किया मैंने, और इसको एक होल किया और इसके अंदर अच्छे से दबा दें। कोशिश करें 2-2.5 इंच आराम से अंदर को जाए, तभी आराम से अप्रॉक्सीमेट 1 महीने के अंदर ये अपना रिजल्ट दे देती है। 4 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ लगते हैं। तो इस तरह आप हर कटिंग को लगाएं, जैसे जितने ये सैप वाले हैं, जैसे इसके अंदर से क्या है, ये प्लूमेरिया की है, चंपा की कटिंग, अगर आप इसमें सैप इसके अंदर से सैप निकलता है, तो इस सैप को ड्राई होने दें, बिल्कुल नीचे का ना सेलिस टाइप बन जाता है, एक थोड़ा सा अजीब सी ड्राई सी हो जाती है, जैसे मेरी इसकी स्किन हो गई है ड्राई, ये देखिए, है ना। ऐसा होने के बाद ही आप इस कटिंग को लगाएं, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगी, उसमें रॉट हो जाएगी वो कटिंग, ठीक है। तो जैसे ये है, इसको भी हम एलोवेरा जेल में डिप करके, इसको तो वैसे आप बिना एलोवेरा जेल के भी अगर लगाएंगे तब भी आराम से लग जाती है, कोई ऐसी दिक्कत ऐसा चाहती नहीं है, फिर भी अगर आपके पास है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे रब करके और इसको आप लगा दीजिए। जैसे इसको मैं मिट्टी में ही लगाऊंगी सीधा, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ये आराम से लग जाता है, ठीक है। ऐसे दबा दें ऐसे करके और इसको हाथ से थोड़ा सा दबा दें,
ठीक है, काट दें। हाँ तो फ्रेंड्स ये मैंने कटिंग्स लगा दी हैं, ये मैंने सोयल में लगाई है, ये सैंड एंड सोयल में लगाई है, ये सिर्फ सैंड में है और ये भी सैंड में है। मैं इनके प्लांट्स के नेम भी बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम मैं दे दूँगी। ये जो है मेरा यूफोर्बिया मिली का है, जो कटिंग मैंने कल बताई थी आपको कि इसका नीचे का सैप सूख गया उसके बाद लगाई है। ये मेरा एडेनियम है, इसकी भी कटिंग लग जाती है आराम से। ये सिंगोनियम, ठीक है, ये मैंने मिट्टी में लगा दी है। और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये अजवाइन है, और आपका ये बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया की मोटी पतली हर तरह की कटिंग लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मिर्ची गुड़ल है, और ये जो है ये भी मिर्ची गुड़ल ही है। ये बिगोनिया, सॉरी बोगनवेला, ये गुड़हल है, ठीक है। और ये डबल चांदनी, ये पेंडलेथस है और ये डबल चांदनी है। इनके थोड़े थोड़े लीव्स छोड़ सकते हैं आप। ये भी गुड़हल है, मैं नाम भी दे दूँगी। तो इसके अंदर जो है, ये जो है मेरी, ये चंपा की कटिंग है, इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इसका थोड़ा सा सैप और अच्छे से सूख जाएगा। तो एक दो दिन के बाद मैं इसको 45 के एंगल पे काट के और इस पर रूटिंग हार्मोन लगा के, हनी या एलोवेरा जेल, उसके बाद मैं इसको लगा दूंगी। तो ये भी बहुत आराम से लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इसको क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर फंगीसाइड मिला के और उस पानी को हम इनके अंदर डाल देंगे, ताकि कोई भी ऐसा रूट रोट वाली या कोई फंगस की प्रॉब्लम ना हो, है ना। अच्छा, इसमें पानी तभी डालेंगे चेक करके, ऐसा नहीं कि रोज़ पानी डाल देना। इसके अंदर चेक करके जब बिल्कुल सूख जाए, वैसे सूखता नहीं है ये, हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाता है। हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा ये कीचड़ टाइप नहीं करना कि मिट्टी आपकी। और इसके जब भी आप जिसके अंदर लगाएंगे उसके अंदर होल ज़रूर कीजिएगा नीचे, देखिए आराम से निकल रहा है सारा पानी, है ना। और इन कटिंग्स को ना एक दो दिन या हफ्ते तक आपको थोड़ा सा सेमी शेड में रखें, जहाँ पर 2-3 घंटे, 1-2 घंटे की धूप आ जाए बस। और उसके बाद इसको थोड़ी, जब इसकी ग्रोथ लगने लगेगी कि हाँ हो गई है, तब आप इसको धूप में आराम से रख सकते हैं। तब भी मैं वही करूँगी कि 3-4 घंटे की धूप लग जाए, पूरे दिन की धूप ना लगे, है ना। तो आप इसको लगाएं, और आराम से चलने वाली कटिंग है, और ज़्यादा पानी ना डालें, हल्का सा मॉइस्ट रहना चाहिए, बस इतना ही पानी डालें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पानी डालें, है ना। तो ये आराम से लगेंगी, आप इसको लगाएं और खूब सारे प्लांट बनाएं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो इतनी ही, कल फिर। अच्छा, एक बात और मैं आप जाते जाते बताऊंगी, कभी भी कोई कटिंग अगर आपकी सक्सेस हो जाती है, सपोज दैट इसमें पत्ते निकल आते हैं, तो आप उसको तुरंत ना निकालें, कम से कम इस कंटेनर में 2 से 3 महीने आपकी कटिंग रहती है, तब वो अच्छे से ग्रोथ करती है। अदरवाइज़ क्या, थोड़ी सी रूट्स निकली होती है जब आप दूसरे उसमें लगाते हैं कंटेनर में, तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसको 2-3 महीने इसके अंदर लगे रहने दीजिए। जैसे मैंने पहले लगाई थी, मेरी दिखाई थी मैंने आपको, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये वाली कटिंग मेरी लगी हुई ड्रेसिना की, कम से कम 6 महीने हो गए होंगे इसके अंदर, जब मैंने इसके अंदर लगा दी थी। तो अब मैं इसको निकालूंगी तो इसमें बहुत अच्छी रूट्स आई होंगी। तो इन कटिंग्स को थोड़ा सा टाइम दें चलने के लिए, उसके बाद ही लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो इतने ही, कल फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और अपना ध्यान रखें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।